2011 में पश्चिम बंगाल में 35 साल के वाम शासन को समाप्त करके ममता बनर्जी ने सत्ता संभाली थी। वाम मोर्चे की हार की पटकथा नंदीग्राम में लिखी गई थी। यहां जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों के आंदोलन ने राज्य में टीएमसी को अपनी जमीन मजबूत करने में मदद की थी और आज एक बार फिर नंदीग्राम सुर्खियों में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस बार यहाँ से चुनाव लड़ रही है। तो क्यों ममता पहुंची नंदीग्राम, देखिए ये रिपोर्ट। नंदीग्राम का मुकाबला तय हो चुका है। ममता बनर्जी कभी अपने बेहद करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मैदान में उतर चुकी हैं। आज ममता नंदीग्राम पहुंची, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में साफ कर दिया कि उन्हें कोई भी चुनौती स्वीकार है। मंच पर ही मां चंडी का पाठ करते हुए ममता ने कहा कि मैं हिंदू हूँ, कोई मुझे हिंदुत्व ना सिखाए। मैंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला अचानक नहीं लिया, ये मैं पहले ही तय कर चुकी थी कि मैं इस बार या तो नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी या फिर सिंगूर से। यदि सिंगूर नहीं होता तो नंदीग्राम भी नहीं होता। आज आप लोग यदि मना कर देंगे तो मैं नंदीग्राम से अपना नामांकन नहीं करूंगी। आप लोगों ने स्वीकार किया है, इसलिए मैं नंदीग्राम आई हूं। ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जो दिल्ली, गुजरात और राजस्थान से आ रहे हैं, वो हमें बाहरी बता रहे हैं। मैंने नंदीग्राम और सिंगूर को एक किया था। ममता बनर्जी ने 11 मार्च को पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करने का भी ऐलान किया। वो कल 10 मार्च को पर्चा दाखिल करेंगी, लेकिन उनके तेवरों से साफ है कि वो हर चुनौती स्वीकार करने को तैयार हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।